नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की एक याचिका थी, रिट पिटीशन नंबर 725/2021, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर चुकी है 12 जुलाई 2024 को। तो इसमें कोई डिटेल जजमेंट नहीं दिया है, क्योंकि इसमें नोटिसेस भी इशू नहीं हुए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो ऑनरेबल थ्री बेंच ऑफ थ्री जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया है 12 जुलाई 2024 को। तो इसके जो चार ऑर्डर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और क्योंकि ये इसकी चार बार मीन्स लिस्टिंग हो चुकी थी और चार बार ऑर्डर्स हैं वो जो कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अवेलेबल है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस मतलब क्या निर्णय दिया था और ये याचिका क्या थी और इसमें निर्णय क्या दिया था, क्योंकि ये ऑर्डर्स जो है रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स में ही अवेलेबल हैं और जो डिटेल ऑर्डर मीन्स इसका कोई जजमेंट नहीं है। तो इसके ऊपर सिर्फ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसके बारे में हम इसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले रिट पिटीशन थी वो फाइल की गई थी 725/2021 की थी, जो कि इसकी जो पहले लिस्ट हेयरिंग हुई थी वो ऑनरेबल टू जजेस की बेंच में हुई थी 5 सितंबर 2022 को। तो ये 2 पेज का ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जब ये पिटिशनर्स जो है दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने जब याचिका दाखिल मीन्स जब लिस्टिंग हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर दिया था। ऑर्डर में यह पहले उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन ये दी थी, मीन्स ऑर्डर में ये कहा था, सॉरी ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑर्डर में क्या कहा था, ऑर्डर में ये कहा था कि हम इंक्लाइंड नहीं है इस तरह की पिटिशन को, क्योंकि इसमें पार्टिकुलर्स की कमी है, लैकनेस है। लैकनेस मीन्स इट्स लैक पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स जो है वो मीन्स उसमें बताए नहीं गए हैं। नॉर आर वी इंक्लाइंड फॉर ऑल इनकम्पासिंग प्रेयर मेड एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल हैव टू मेक देयर ओन सिक्योरिटी अरेंजमेंट। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको अपनी खुद की सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर्स फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स विच आर रियली बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो कोर्ट ने कहा कि हम ना तो हम स्टेट गवर्नमेंट को ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि वो आप सिक्योरिटी कवर है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दें, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक विच आर रियली बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस है। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना जो जो डायरेक्शन थी वो दे चुकी थी। वो जो डायरेक्शन जो थी वो आई थी 5 सितंबर 2022 को, 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले ये ऑर्डर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम कवरेज नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक बिजनेस एंटरप्राइजेस है। इन सो फार एज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर कंसर्न्ड, सिक्योरिटी इज अरेंज्ड बाय द कंसर्न्ड हॉस्पिटल्स। जो सरकारी अस्पताल हैं वो सिक्योरिटी जो है वो अपने कंसर्न्ड हॉस्पिटल्स हैं वो अरेंज करेंगे। इट इज से ऑफ द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर की डिस्ट्रिक्ट लेवल सम ऑफ द हॉस्पिटल्स मे नॉट हैव सिक्योरिटी, डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल है उनकी सिक्योरिटी नहीं है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हमारे पास इसके पर्टिकुलर्स नहीं है इश्यूज के। अब कोर्ट काउंसिल को पिटिशनर्स को ने सबमिट किया कि वो पिटिशन को अमेंड करेंगे अप्रोप्रिएटली और फिर सबमिट रेलिवेंट मटेरियल जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए ऑन द नीडफुल टू डन लिस्ट बिफोर द कोर्ट, ने कहा ठीक है, जब नीडफुल हो जाएगा, जब काम हो जाएगा तो फिर लिस्ट कीजिएगा। तो अब फिर इसके बाद दूसरी हेयरिंग जो हुई थी वो जो रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स बताती है वो हुई थी 11 नवंबर 2022 को हुई थी। अब उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग की थी, उसमें ये कहा था कि जो यहाँ पर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं वो उनको मीन्स उन्होंने एक प्रकार की एडजॉर्मेंट मांगी थी, क्योंकि उनका एक मीन्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अवेलेबिलिटी मीन्स उन्होंने यहाँ पर एक एडजॉर्मेंट, कोई यहाँ पर कोई मीन्स रजिस्ट्रार की कोर्ट में यहाँ पर ये हेयरिंग हुई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच के समक्ष जो यहाँ पर हेयरिंग हुई थी। तो ये मैटर जो लिस्ट हुआ था रजिस्ट्रार की कोर्ट में हुआ था, क्योंकि रिट आप तीसरी जो हेयरिंग थी वो 16
जनवरी 2023 को जो यहाँ पर बताया गया वो हेयरिंग हुई थी। अब यहाँ पर जब हेयरिंग में जब वो चैम्बर लिखा यहाँ पर मिस जज ऑनरेबल जज इन चैम्बर में बताए थे तो डिले को यहाँ पर कंडोन कर दिया था और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू अमेंड द रिट पिटीशन इज अलाउड। तो यहाँ पर एक परमिशन जो थी उसको अलाउ कर दिया था यहाँ पर जो मीन्स हेयरिंग जो नहीं हुई थी मतलब इन चैम्बर में हेयरिंग हुई थी। अब जो फाइनल ऑर्डर जो आया वो जो था वो ऑनरेबल 3 जजेस की बेंच में हुआ था। ये ऑर्डर आ चुका था ये 12 जुलाई 2024 को, क्योंकि जो इंसिडेंट जो हुआ है उससे एक महीना पहले ये ऑर्डर आ चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें जो यहाँ पर सीनियर काउंसिल भी अपे हुए थे पिटिशनर के रिस्पॉन्डेंट के, क्योंकि अभी नोटिस नहीं हुए थे इसलिए इस केस में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले मीन्स अपना निर्णय सुना दिया, कहा कि हम वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन दिस रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने यहाँ पर मीन्स एंटरटेन करने से रिट पिटिशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया और यहाँ पर कहा कि किसी प्रकार की अगर डिफिकल्टी होती है किसी पर्टिकुलर केस में तो एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जो भी डिफिकल्टी इश्यूज हैं वो एप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन फॉरम जो कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो मीन्स किसी डिस्ट्रिक्ट का है तो उनकी जो रिस्पेक्टिव फॉरम हुई या कोर्ट ही या इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष भी वो केस जो है रिट जो है अगर कोई रेमेडी अप्रोच नहीं है तो वो अपनी अपनी जो इशू है वो लेके जा सकते हैं। और रिकॉर्ड मींस हाई कोर्ट के बारे में नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है डिफिकल्टी इशू जो एप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन फॉरम कोर्ट जो भी फॉरम में जो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है तो उसमें आप अपनी जो ग्रीवेंसेस है वो लेके जा सकते हो। तो आर्टिकल 32 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस पे इसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। रिकॉर्ड ऑफ द एफोरसेड रिट पिटीशन इज डिसमिस्ड, पेंडिंग एप्लीकेशन जो थी वो इसको डिस्पोज कर दिया। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो आया था 12 जुलाई 2024 को, इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया था। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।